हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। उसके लिए हमने एक कप चावल ले लिए हैं। उस चावल को हमने धो लिया है। दो कप हम पानी डाल देंगे राइस में। इसी कप से हमने राइस लिया है। एक चम्मच नमक डाल देंगे या फिर स्वाद अनुसार। एक चम्मच हम घी डाल देंगे या फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं। एक बार हम घी को और नमक को चला लेंगे अच्छे से। अब कुकर में हम दो विसिल लगा लेंगे। जब तक विसिल आए, जब तक हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये सबसे कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करें। दो हमने टमाटर को कट कर लिया है। दो हमने शिमला मिर्च ली है, उसको भी हमने कट कर लिया है। और 250 ग्राम हमने पनीर लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। कुकर में दो विसिल आ चुकी है, वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा खिला खिला चावल बना है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम दो चम्मच इसमें सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक चम्मच जीरा डाल देते हैं। गैस की फ्लेम सिम कर लेंगे। एक पिंच हींग डाल देते हैं। सबसे पहले डालते हैं हम टमाटर। अब हम डाल लेते हैं शिमला मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च। बहुत थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, क्योंकि हमने जब राइस हमने बनने रखा था तो राइस में भी हमने नमक डाला था। हमें वेजिटेबल को ज़्यादा कुक नहीं करना है, इनको क्रंची रखना है। क्रंची ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम पनीर भी डाल लेते हैं। पनीर में प्रोटीन होता है, हमें पनीर रोज़ खाना चाहिए और टेस्टी भी बहुत होता है पनीर। अब हम राइस भी डाल लेते हैं। अब हम वेजिटेबल और राइस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये रेसिपी हमारी होने वाली है तैयार। बहुत ही टेस्टी होती है, मेरी तो फेवरेट है ये, मुझे बहुत पसंद है ये। आप जरूर जरूर ट्राई करें इसको। अब हम सबसे एंड में इसमें मैगी मसाला डाल लेंगे। ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से, लेकिन इससे और ज़्यादा टेस्ट हमारा इन्हेंस हो जाता है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। वेजिटेबल राइस हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है हमारी ये रेसिपी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच में, डिनर में, किसी में भी बना सकते हैं। ऐसी बना के आप इसको दही के साथ एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।